उत्तरी भारत की प्रसिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र मास मेले का विधिवत पूजा अर्चना के साथ आगाज हो गया है। चैत्र मास मेले का शुभारंभ मंदिर चेयरमैन एवं उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक द्वारा झंडा रस्म अदा कर किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर को फूल मालाओं से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सहायता और सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न छेलनी पड़े। इस मौके पर मंदिर न्यास चेयरमैन एवं उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने मेले का शुभारंभ कर सभी श्रद्धालुओं और हिमाचल वासियों को बधाई दी है। वहीं देवसिद पहुंचे श्रद्धालुओं ने मेले के पहले दिन पहुंचने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंदिर में भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। आज हमारे चैत्र मास मेले का विधिवत शुभारंभ झंडा रस्म और हवन से पूर्ण किया गया, और इसमें हम लोग आशा करेंगे कि सभी श्रद्धालु जो हैं बढ़ चढ़ के अपने परिवारों के साथ दर्शन करने आए, और साथ में ये मेला और ये सभी के लिए बहुत मंगलमय हो, बाबा जी की कृपा सब पे बनी रहे, और साथ में कानून व्यवस्था, साफ सफाई, यहाँ पे दर्शन के टाइम मंदिर के परिसर में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए मंदिर ट्रस्ट प्रशासन और पुलिस का भरपूर सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि सभी का दर्शन जो है वो शांतिपूर्वक और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से। बस जितना इन्होंने दसिया ये सिस्टर ने, हाँ जी 48 साल हो गए साडे चल लगे आते ताया जी, तो हम पूरे हो गए, हम उन्हों का अगो बेटा आता है कनेडा तो, हाँ जी मनोकामना सब दिया पूरिया करते हैं बाबा जी। हाँ जी बाबा जी जनानी के मत्थे नहीं लगते, कदे भी नहीं गए? नहीं कदे भी नहीं गए, असी आने बंगिया को नवा शहर जिले चो। हाँ जी साडे नाल पांच ट्रक आए, वह चार पांच वैसे गड्डिया आई हैं। हाँ जी साढ़े जिदा ताया जी पहला तो 48वां चाला आया साढ़े, हाँ जी साढ़े ताया जी चाला लिया